नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग का मुद्दा काफी गर्मा रहा है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता शाहीन बाग का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और इसको लेकर उनके बिगड़े बोल भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये शाहीन बाग अब सिर्फ आंदोलन नहीं रह गया, यहाँ सुसाइड बॉम्बर का जत्था बन चुका है। देश की राजधानी में देश के खिलाफ साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में एक महिला का बच्चा ठंड में मर जाता है और वो महिला कहती है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, ये सुसाइड बॉम्ब नहीं तो और क्या है? अगर भारत को बचाना है तो ये सुसाइड बॉम्ब खिलाफत आंदोलन 2 से देश को सजल करना होगा। आपको बता दें कि बुधवार को लोकसभा में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा था कि दिल्ली के शाहीन बाग में आज जो कुछ हो रहा है वह इस बात को याद दिलाता है कि यदि बहुसंख्यक समुदाय सतर्क नहीं रहा और देशभक्त भारतीय इस पर खरा नहीं उतरते हैं तो मुगल राज वापस आ सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरी तरफ कहा एक रैली में कि अरविंद केजरीवाल बहुत बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल कह देते हैं सरकार शाहीन बाग वालों को क्यों नहीं उठा रही। केजरीवाल बिठाओ तुम, बिरयानी तुम खिलाओ, पालो पोसो तुम और उठाए मोदी सरकार। अब पता चल रहा है कि दावा उल्टा पड़ रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन भाई बहनों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रैली में कहा था कि केंद्र सरकार ने 3 पड़ोसी देशों में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के लिए संशोधित कानून लागू कर लाखों लोगों को राहत दी, लेकिन कुछ लोग इसका बेवजह विरोध कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को डराने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहरू जैसे नेताओं की इच्छा के अनुकूल ये फैसला हुआ है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, जामिया और शाहीन बाग में घटनास्थल पर 2 बार हुई फायरिंग के बाद से पुलिस ने दोनों जगहों पर सुरक्षा जाँच बढ़ा दी है। इसकी वजह से अब यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। बुधवार भी दोपहर यहाँ काफ़ी लोग पहुँचे थे। भीड़ को घटता देख धरने के संयोजक की चिंता भी बढ़ गई। धरने के संयोजक ने मंगलवार को शाहीन बाग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके लोगों से अपील की कि वह ज़्यादा संख्या में घटनास्थल पर पहुँचे। अपील में कहा गया कि 4 से 7 फरवरी तक रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक धरने में बड़ी संख्या में पहुँचे। इससे ये भी चर्चा होने लगी कि क्या 7 फरवरी के बाद धरना समाप्त कर दिया जाएगा। इस अपील में ये भी कहा गया है कि चुनाव आते ही धरने पर राजनीति होने लग जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये शाहीन बाग का धरना 11 तारीख के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है या नहीं, या सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट है।